हेलो एवरीवन, आज हम एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उत्तराखंड में एग्ज़ाम हुआ है ACF का, उसका मैं पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। मैं जो करवाऊँगी वो है मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन। इसमें मेरे पास कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, जो मेरे पास पेपर आया था उसमें आई थिंक 127 से 134 तक क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके पास वो अवेलेबल हो तो आप मुझे, मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूँगी, आप उसमें सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर है सी। सॉरी, इसका आंसर हो गया सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 111, इसका आंसर है डी। 11 का है डी। उसके बाद है 112, 12 का आंसर है आपके पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 113, इसका आंसर है, 113 का आंसर आपका है बी। एंड 114, इस क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित आकृति में कितने पंचभुज हैं। एक्चुअली ये त्रिभुज के बारे में पूछा है, इंग्लिश में शायद ट्रायंगल हो, इसमें इन्होंने पंचभुज पूछा हुआ है, जबकि ये पंचभुज नहीं है। 114 का आंसर है आपका सी, 12। 115 का आंसर है फिर अगेन सी, 8। इसमें 8 ट्रायंगल बन रहे हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका 143, इसका आंसर है डी। एंड उसके बाद है 144 का आंसर आपका है सी वाला। एंड 145 है, इसका आंसर है 20 मिनट, यानी कि फर्स्ट वन। और उसके बाद 146 है, 146 का आंसर है 48। इसमें जो संख्याएं निकली हैं वो 8 और 6 निकली हैं, तो जब उनको गुणा करेंगे हम, उन्होंने गुणनफल पूछा है, तो उसका आंसर हो जाएगा 48। उसके बाद 147 का आंसर है आपका सी। एंड 148 का आंसर है 16, यानी ए वाला। उसके बाद 149 का आंसर है हमारा 20, यानी फर्स्ट वन, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। 150 का जो आंसर है बी, 12/19, ये हमारी भिन्न निकली है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला 101 का जो हमारा आंसर निकला है वो निकला है हमारा 45, यानी बी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे पास सेट नंबर है ये है सी। मे बी आपका 101 वाला क्वेश्चन कोई दूसरा हो उसमें, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा है। तो 101 का आंसर हमारा बी निकला है, 45। उसके बाद 102 का आंसर है हमारा 182, यानी बी। 103 वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि आई थिंक ये कुछ गलत है, इसका मैं नहीं निकाल पाई। उसके बाद है 104 का हमारा जो आंसर निकला है वो है हमारा बी। बी यानी 400 रुपये, उसको सी को जो राशि मिलेगी वो 400 रुपये मिलेगी। उसके बाद 105 है, 105 का हमारा आंसर है बी, यानी 1%। उसके बाद है 106 का आंसर है हमारा डेढ़ घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 107 का अगेन आंसर है हमारा बी। एंड 108 का जो आंसर है वो है हमारा पहला वाला। ये इन सब में जो ऑप्शन सही है, जब हम चेंजेस कर देते तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही निकलता है। उसके बाद है 109 में हमारा जो ऑप्शन निकला है, जो आंसर सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 36। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी वाला, 280 का 80% का 30%। उसके बाद नेक्स्ट है कि 135 का जो आंसर है वो है हमारा बी। एक्चुअली ये एपी का क्वेश्चन है, सम वाला, उसका होगा 14905। ओके, उसके बाद है 136 का जो हमारा आंसर है, ये भी, इसका भी आंसर जो है वो बी है, ऑप्शन बी, 1:8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 137 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 22। उसके बाद 138 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। एंड 139 का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एंड 140 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरिंदर, कि जो ना परिश्रमी है ना अभिलाषी, और हाँ ये दोनों ही पूछा था, इसका आंसर है हमारा सी, ऑप्शन सी, हरिंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141 का
141 का जो आंसर है वो डी है, जो ये आंकड़े हैं वो पर्याप्त नहीं है और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारा 142, 142 का आंसर हमारा बी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो आंसर हमारा है, 116 का हमारा आंसर, इसमें ही क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है कुछ मुझे लग रहा है कि मुझे क्या है? इसमें है, यहाँ पे देखिए प्लस का अर्थ इन्होंने मल्टीप्लिकेशन भी दिया है, गुणा भी दिया है, और सेम यहाँ पे प्लस का अर्थ इन्होंने माइनस भी दिया है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता, इसमें दो कुछ मिसप्रिंट है, तो ये क्वेश्चन नंबर 116 इसमें कुछ गलती है। उसके बाद 117, क्वेश्चन नंबर जो 117 उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 69। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 इसका आंसर है हमारा सी यानी 100, जो गलत वो है 100। एक्चुअली ये सारे जो हैं वो क्यूब्स हैं, घन है, और जो 100 है वो इनका वर्ग बन रहा है। उसके बाद है 119, 119 का जो आंसर है वो हमारा है डी 75। उसके बाद है 120, 120 का आंसर हमारा ए है 6:50। उसके बाद है 121, 121 का आंसर हमारा सी है 7 मीटर। उसके बाद 122, 122 का आंसर है हमारा ए दक्षिण पूर्व, और 123, 123 का आंसर है ए यानी 10 मीटर उत्तर पूर्व। उसके बाद 124 है, 124 का आंसर है ए, 125, 125 में मुझे थोड़ा डाउट है इसलिए ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया। उसके बाद है 126, 126 का फिर से आंसर है आपका 245 मीटर यानी सी। जितने क्वेश्चंस मेरे पास थे, मेरे पास 7 या 8 क्वेश्चंस नहीं है, बाकी मैंने 50 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व किए हैं। आप अपना अपना आंसर की से आप इसको मिला सकते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, गुड लक फ्रेंड्स, नाउ एंजॉय द वीडियो, आप मिलते हैं हम अगली किसी नए वीडियो के साथ।